guys, so welcome to my channel. So my name is Anshul Gupta and I am a CA student and your friend, colleague and etc. So वापिस से कह देता हूँ, कुछ डिस्क्लेमर मैं हमेशा हर वीडियो के स्टार्टिंग में देता हूँ कि आपको सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान देना है, आसपास की आवाज़ आ रही है, चिड़िया विड़िया कुछ भी, जैसे अभी मैं यहाँ पर रेंट पे रह रहा हूँ जिस जगह पे, मैं अभी मेरे घर पे नहीं हूँ, आसपास की आपको आवाज़ को अवॉइड करना है एंड सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है। मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा कि मैं बैकग्राउंड नॉइज़ इन सबको काटूँगा, आपको मेनली मेरी वीडियोज़ पर ध्यान देना एंड मेनली मैंने जो चैनल जिस पर्पज़ से खोला है आपको पता ही होगा कि मैं अपनी गलतियों से जो सीख मैं ली है, जो स्मार्ट ट्रिक्स या फिर मैंने स्मार्ट टिप्स जो मैंने या फिर जो भी चीज़ें इनोवेट करी है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो आपको मेनली मेरी नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइज़ या फिर ये सब सेटअप, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ देखो तो सिर्फ मुझे, हाँ मुझे देखो मतलब, ठीक है। सो पर्टिकुलरली ये वीडियो होने वाली है अपने ऑडिट सब्जेक्ट की स्टडी। ऑडिट सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द सीए स्टूडेंट्स लाइफ। अब सबसे पहले बता दूं कि स्ट्रेटजी क्या होती है। देखो ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैंने पढ़ा कैसे, तो गलतियाँ क्या हुई थी मेरे से कि मेरे को दो अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट लग गया मतलब एक्स्ट्रा। सो उन गलती को ऐसा नहीं कि मेरे को एक अटेम्प्ट से ज़्यादा लगे फिर करता गया, मैंने एक अटेम्प्ट में गलती हुई तो अगले अटेम्प्ट में मैंने उसे ओवरकम कर लिया एंड ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में मैं भूल गया मेरे को कितने नंबर आए थे, 50 से कुछ ज़्यादा है, तो मैं जब थंबनेल लगाऊंगा तो आपको पता चल जाएंगे मेरे को कितने नंबर आए थे। एंड ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में ये नंबर लाना इजी नहीं होते हैं एंड इन सब में क्या मैंने ओवरकम करा, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए वो आपको इस वीडियो से सीखनी है कि भैया ने क्यों इस तरीके से पढ़ा था, क्यों इन तरीके से उन्होंने पैटर्न इस तरीके से बनाया था। ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी सेम अस मेरी हो, सबका स्टडी पैटर्न अलग होता है, सबकी एनवायरमेंट सबका कंडीशन सबका अलग होता है, कोई इनको दिन में पढ़ना पसंद है, किसको रात में पढ़ना पसंद है, वो सब चीज़ों मिक्स ऑफ फैक्टर्स बनके एक अलग इंसान बना देता है। इसीलिए आपको सिर्फ मेरी स्ट्रेटजी से सीख लेनी है, देखना है कि भैया ने ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो क्यों करा है एंड खुद की एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। आप सुनो तो सही एक बार, इन तक बहुत सारे वीडियो स्किप कर जाते हैं कि यार क्या है, लेकिन आप तो वेस्ट वीडियोस तो काफ़ी देख लोगे, रील्स तो काफ़ी देख लोगे, बट एक इंपॉर्टेंट वीडियो कोई डाल रहा है थोड़ा सुनो तो सही उसकी बातों को, अगर अच्छी ना लगे तो फिर आप जा सकते हो, मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं मैसेज में, ठीक है। सो मैं पूरी 15 महीने की जगह बताऊँगा, मेरे ऐसे 9 महीने लगते लेकिन 15 महीने कैसे लग गए टोटल वो मैं पूरी गलती में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा अटैम्प्ट था नवंबर 22, मैं पास हो गया था दिसंबर 21 का, फाउंडेशन का अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास, मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी एंड ऑडिट मैंने बीच में जब भी मेरा क्लास का टाइम आया ऑडिट की क्लास मैंने लेना शुरू करी हर सब्जेक्ट। क्लास देखने में मजा खूब आ रहा था, समझ में भी खूब आ रहा था, थियरी सब्जेक्ट था ऐसा अभी तो कुछ नहीं सोचा, लेक्चर देख रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि रोज रिवाइज करें, हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बट अभी मैं गलती बता देता हूँ कि रोज़ रेगुलर रिवाइज करना चाहिए आपको, और मैं रोज रेगुलर रिवाइज नहीं कर रहा था, जो टीचर ने पढ़ाया उससे रोज रेगुलर रिवाइज अपन को करना चाहिए एंड वही मेरे एंड से हो नहीं रहा था कि रोज रेगुलर पढ़ नहीं रहा। ऐसा नहीं कि डीप में अपन जरूर बार बार पढ़ रहे, बट जो टीचर ने एक बार पढ़ाया कम से कम उसे रीड आउट तो करें, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको टीचर पढ़ा रहे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो अगर आप यूट्यूब से देख के सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक बार खुद लेक्चर देखने के बाद खुद पढ़ो तो सही, ताकि खुद के माइंड में भी जो रीड किया वो बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी बात कि मैंने इस तरीके से मेरे लेक्चर्स कंप्लीट करे हर्षद जाजू सर के, एंड हर्षद जाजू सर की कुछ खामियां मैं पहले बता देता हूँ कि यार एक चैप्टर 9 होता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यार उनका जो बनाने का तरीका हो गया ना वो ओल्ड हो गया, पता नहीं अब न्यू लेक्चर्स में वो डालते हैं। सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये वीडियो हर एक अटेम्प्ट में लागू होगी, भाई 24 ऐसा नहीं कि सिलेबस चेंज हुआ तो मेरी वीडियोज़ पर लागू नहीं होगी, मैंने एग्जाम पैटर्न पढ़ा है ऐसे कोई खास चेंज नहीं आए हैं, MCQs, ट्रू फॉल्स वो भी मुझे पता है कि क्या आने वाले, थोड़े बहुत चैप्टर्स को शफल किया गया है, एक एथिक्स वाला चैप्टर ऐड किया गया है, तो आप May 24 में एग्जाम दो, कभी भी एग्जाम दो आप पे वीडियो लागू होगी। सो इस तरीके से लेक्चर्स तो देखता गया, सिर्फ लेक्चर्स ही देखे, ठीक है। पहले 9 महीने से जो नवंबर 22 का अटेम्प्ट था उसमें से 6 महीने मेरे गए, अब आता है रिविजन वाले महीने, मतलब 3 मंथ्स। अब पढ़ने बैठा, इसमें तो ऐसा कोई खास रहता नहीं, पढ़ने बैठो वापस से थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा, रिविजन लेक्चर्स देखे समझ के पढ़ने लगा, बट जब नवंबर 22 का अटेम्प्ट दे रहा था मैंने ऐसी कोई खास मेहनत नहीं करी रिविजन्स पे, और मैं पढ़ने बैठता पहले नंबर ऑफ रिविजन्स में ही, यार मैं जब उन्हें रिकॉल करने की सोचता यार ये रिकॉल ही नहीं हो रहे,
और जब रिकॉल नहीं होता, मैंने मतलब पूरा चैप्टर मेहनत करके पढ़ा, एक रिवीजन हुआ लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करके पढ़ा, अब रिकॉल नहीं हो रहा, तो एक स्टूडेंट के माइंड में फ्रस्ट्रेशन बैठेगा, ये सही ना यार, 2 दिन पहले ये चैप्टर बैठा था और अब रिकॉल नहीं हो रहा यार, तो फ्रस्ट्रेशन बैठता है कि नहीं किसी भी स्टूडेंट के माइंड में, तो वैसे फ्रस्ट्रेशन बैठता था। एंड मैं फिर यूट्यूब खोल के देखने लग जाता था हाउ टू स्कोर 60+ इन सी एंटर ऑडिट, हाउ टू स्कोर एग्जेम्पशन इन, या फिर टॉपर स्ट्रेटजी फॉर सी एंटर ऑडिट, ये देख देखने के बाद भी मेरे को एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिली नहीं। सब बताते हैं MTPs कर ले बेटा, RTPs कर ले, प्लेन रीडिंग क्या रीडिंग कर लो, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डीप डाइव में बताओ MTPs कैसे करनी है, RTPs पर इसमें टाइम ही नहीं मिल रहा भाई, टाइम जब मिलेगा जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, कंप्लीट भी उस इन द सेंस याद होगा जब तो MTPs ही RTPs सोल्व करो, यहाँ मेरे को याद नहीं हो रहा और MTPs RTPs सोल्व करने बैठू इस सब्जेक्ट की, तो इसी में सब चीजों में 1-1.5 रिवीजन हुए मेरे, एग्जाम देने गया 1.5 डेज स्ट्रेटजी प्लान नहीं थी ना, मुझे पता था मैंने MCQs या फिर ट्रू फॉल्स प्लान करे थे कि किस तरीके से लिखना है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, पेपर गया 36 नंबर आया इसको। अब आता है नेक्स्ट, मैंने ITOC ज्वाइन कर ली थी, तो मेरा जनवरी तक मेरी IT चली थी, रिजल्ट भी आ गया था IT के OC की ट्रेनिंग के बीच में, मैं फेल हो गया था, ठीक है बोल रहा हूँ। अब वापस से मैं फरवरी से मेरी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने मुझे मिले थे, ठीक है मेरा अटेम्प्ट था मई 23। अब मैंने ठान लिया था कि इस बार मेरे को नंबर ऑफ रिविजन्स कैसे भी करके ज़्यादा करें, ठान तो हर कोई लेता है पर हो पाएंगे कि नहीं वो अब आप वीडियो में आके देखते जाइए। अब रिविजन पैटर्न मैंने हर वीडियो में बताया है कि मेरे रिविजन पैटर्न किस तरीके से रहा था, तो इस 3 महीने में मैंने पहले के 2 महीने मैंने 4 स्लॉट्स में बांट दिए थे, मतलब 15-15 दिन के हर एक स्लॉट, 3 महीने थे तो पहले के 2 महीने में मैंने 4 स्लॉट्स कर दिए 15-15 दिन के बीच, ठीक है। अब जो लास्ट वाला महीना बचा है वो मैंने MTP सोल्व करने के लिए दिया था, जो ICAI के 2 MTPs आते हैं ना उनको सोल्व करने के लिए मैंने लास्ट के 1 महीना बचा रखा था, मतलब पहले 15 दिन में मैं मॉक टेस्ट 1 सोल्व करूँगा एंड खुद ही चेक करूँगा, एंड फिर अगले 15 दिन में ICAI का दूसरा मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करूँगा एंड उसे खुद ही चेक करूँगा। मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, मेरे को वो सब जमती नहीं थी, ऐसा नहीं कि वो बेकार होती है, लेकिन मेरे को ऐसा था कि मैं खुद चेक करके खुद की गलतियाँ नोट करूँ ताकि मुझे एग्जाम तक वो हमेशा याद रहे, ठीक है ये मेरी माइंडसेट था इसलिए मैंने ऐसा सोचा था, ठीक है। अब 2 महीने में मैंने 15 डेज के किसी स्लॉट में ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को भी रखा था। अब आती है कि 5 रिविजन्स आपने कैसे करें 15 डेज में, कोई से इन 2 महीने के किसी भी 15 डेज में मैंने प्लान करके कोई से में भी ऑडिट सब्जेक्ट को बिठाया, ऑडिट उठाया सबसे पहली बार रिवाइज करा, तो पहले 10 दिन में तो मैंने सोचा कि इसे पूरा रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट 5 डेज में सेकंड रिविजन हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जितने नंबर ऑफ रिविजन बढ़ते जाएंगे अपना रिविजन टाइम भी घटता जाएगा, ये आपको पता ही होगा इतना। तो पहले 10 डेज में रिवाइज करने बैठा, मैं सोचा नहीं पर रिवाइज करता रह गया सारे चैप्टर्स पढ़ते गए, बट मैंने सोचा कि यार जब 5 से 6 दिन हुए थोड़ा पिछले दिन का देखता हूँ यार मेरे को रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यहीं से गलती स्टार्ट हो गई, मैंने रिकॉल करना देखा कि पहले मेरे को रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वही सारा मैं मात खा जाता हूँ कि मेरे को कुछ भी रिकॉल नहीं हो रहा। मैंने थोड़े दिन पहले ही ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ा, थोड़े दिन पहले ये 4th चैप्टर पढ़ा इंटरनल कंट्रोल्स वाला, चूतिया मेरे को वो चैप्टर आता ही नहीं, चैप्टर ही मतलब मेरे को मतलब याद नहीं हो रहा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया पूरी तरीके से, मम्मी अब को क्या यार ये कैसे अटेम्प्ट पास करूँगा, जबकि मैंने खुद को कसम खा ली थी अगर ये अटेम्प्ट नहीं तो मैं CA नहीं बनूंगा, मैंने गारंटी ले दी थी, प्रेशर डालना होता है ना यार, तो मैंने प्रेशर डाल दिया था अपने पर ये अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है, फिर मम्मी आपस में यार अब क्या करूँ इसको ये सब्जेक्ट रिकॉल हो नहीं रहा भाई से, तू भाई के यार तू तो कह रहा था रैंक लाएगा तू तो इसी में हार मान गया, तो उसकी बात सुन के फिर मोटिवेशन आया, फिर मैंने सोचा यार अब टॉपर्स के नंबर है मेरे पास थोड़े, अपनी जो टॉपर है नंदनी अग्रवाल और इन सब के मेरे पास सब अपन को नंबर रिलीज हो जाते हैं ना तुम्हें पता ही हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड के, मैंने इन सबको फ़ोन लगाया, मैं सबसे पूछता कि यार आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी क्या ऑडिट सब्जेक्ट में, तो टॉपर्स भी ये बोलते भाई क्या ऑडिट सब्जेक्ट ही ऐसा है तो एक बार पढ़ेगा दूसरे दिन भूल जाएगा तीसरे दिन भूल जाएगा, उनने तो यूँ भी कहा कि एग्ज़ाम दे तक याद रहा एग्ज़ाम के अगले दिन ही भूल गए वो लोग, मैंने सोचा यार मेरे को तो अभी याद नहीं हो रहा ना मैं MTPs RTPs भी सोल्व करने करूँगा तो करूँगा कैसे, अभी पढ़ रहा हूँ अभी कुछ याद नहीं हो रहा एग्जाम डे में क्या होगा, मैंने कहा सेम टू सेम असली, बस हम क्या करते थे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, हम बार बार पढ़ते जाते थे बस सब्जेक्ट में, माइंड में ये मत रखो कि मेरे को रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे को रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मम्मी 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 मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, मम्मी 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 मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, अब इस पर ध्यान देते रहोगे न्यू यूट्यूब पे खोल लोगे हाउ टू स्कोर 60+ या फिर 40+ इन सी एंटर ऑडिट,
तो वही यूट्यूब खोल के बेटे शॉर्ट्स देखने लग गए, फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा। मोस्टली मैंने स्टडी करा है, रिसर्च करा है यूट्यूब पे, सभी ये बोलते हैं एमटीपीस कर लो, आरटीपीस कर लो, बार बार पढ़ लो ऑडिट सब्जेक्ट, और ये टेस्ट सीरीज कर लो, ये टेस्ट सीरीज कर लो। पढ़ोगे कब? सिर्फ टेस्ट सीरीज देते रहोगे, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा ना। फिर मैंने इसी के कारण अब पढ़ना में बैठा। अब मैं यूँ नहीं सोच रहा मुझे रिकॉल हो रहा है कि नहीं, मैं से अब पहली बार तो जब पढ़ रहा था 10 दिन 15 दिन में से पहले 10 दिन मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ा हूँ पूरे अच्छा। नेक्स्ट 5 डेज में मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ पढ़ता रह रहा सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं सर्च लाइन की मीनिंग सोच रहा हूँ कि अच्छा इसकी मीनिंग क्या होगा। पहले 10 दिन में तो मैंने मीनिंग वाइज भी पढ़ा अच्छे से समझ समझ के, बट नेक्स्ट 5 डेज जब 15 डेज में पढ़ रहा था मैं 15 डेज वाले शेड्यूल में स्लॉट में, तो नेक्स्ट 5 डेज में मैं सिर्फ प्लेन रीडिंग करता रहा हूँ। सोच रहा हूँ क्या क्या प्लेन रीडिंग, जिसमें जैसे हनुमान चालीसा अपन कोई सारी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हनुमान चालीसा मैंने बार बार पढ़ ली है तो मुझे मेरे माइंड में बैठ गई, तो वैसा सेम थिंग था कि अगर जिस चीज़ में बार बार पढ़ते जाएंगे वो डेफिनेटली मेरे माइंड में कुछ तो बैठेगा। 100% पढ़ रहे तो 60% तो बैठेगा, मतलब 100% अगर 100 नंबर में 60 नंबर आ जाएंगे आपके यूँ। सो बार बार पढ़ता जा रहा, सेकंड नंबर ऑफ रिविजन 15 डेज के शॉर्ट में मेरा 2 रिविजन कम्प्लीट हो गया। अब बचे थे 3 रिविजन, अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्फिडेंट आ गया। अब आता है मेरा रिविजन पीरियड तो खत्म हो गया 2 महीने का, अब बचा था लास्ट फ्लोर 1 महीने का, जिसमें मेरे को 2 MTPs देनी थी। MTP 1 मैंने जैसे मैं उसी हिसाब से दे रहा था जिस हिसाब से मेरे ICAI के पेपर्स होते हैं 8 पेपर्स, तो 6th पेपर मेरे को ऑडिट का देना था, मैंने MTP 1 दिया, भाई कुछ भी याद नहीं आ रहा। 1.5 डेज में तो ये भी पता चल गया कि किस तरीके से प्लान करना होगा, क्योंकि 1.5 डेज में मैंने नवंबर 22 में भी यही गलती हुई थी कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ के नहीं जा पाया था, पूरा सब्जेक्ट हुआ ही नहीं था ना। मैं एक तो वीडियो में बनाते बनाते इतना आ गया साला पता ही नहीं चलता मैं चल चल के कहाँ पहुंच गया हूँ, मैं ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में मोबाइल में पहुंच जाऊँगा। सो 1.5 डेज प्लान करना इतना जरूरी है, मतलब यही एक मेन चीज़ है। अगर 1.5 डेज अगर प्लान करके नहीं गए तो आप 1.5 डेज में जितना पढ़ोगे ना, जितने चैप्टर्स पढ़ के जाओगे उतना ही रिकॉल होगा। बाकी का आपको ऐसा लगता है जैसे आपने पूरा जैसे चैप्टर 6 आपने 1.5 डेज में नहीं पढ़ा, लेकिन आप जब ओरिजिनल उसको पढ़ रहे थे, मैंने जितना भी पढ़ा हो लेकिन उसका 50% या 40% आपको याद रहेगा, क्योंकि 1.5 डेज में इतना प्रेशर रहता है, आपने रिवाइज नहीं करा रिकॉल नहीं होगा। इसीलिए 1.5 डेज की प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। जो 1.5 डेज को अच्छे से प्लान करके चला गया, उसमें से अच्छे से पूरा सब्जेक्ट पढ़ के चला गया, डेफिनेटली वो एक्सेल हो जाएगा एग्जाम में। सो मैंने जब MTP 1 सॉल्व करी तो मुझे पता लग गया कि हाँ मुझे इसमें थोड़ी हेवी सी एनालिसिस फॉलो करना पड़ेगा। ए कैटेगरी के चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी। ABC मैंने एनालिसिस सिर्फ पढ़ने के लिए कि पहला चैप्टर ये से पढ़ना है। अभी चैप्टर 9 और चैप्टर 13 स्पेशल चैप्टर से उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताता हूँ मैं आपको। सो अब दिक्कत ये आ रही थी कि यार MTP दी और मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर से वो लगता है ना यार अब तो थर्ड रिवीजन भी हो चुका है। थर्ड रिवीजन कैसे, जो 1.5 डेज मैंने इस MTP 1 के लिए दिया था, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसमें पढ़ा था, तो वो एक टाइप से थर्ड रिवीजन हुआ। मैंने यार 3 रिवीजन भी कर लिए यार, अब भी यार ये सब्जेक्ट नहीं भरा। फिर डाउट आने लग जाता है कि यार रिजल्टेंट में पास होंगे कि नहीं होंगे, यार ये सब्जेक्ट तो यार घंटा कुछ भी कर लो यार याद ही नहीं हो रहा यार अपने को। चलो ठीक है, फिर पेपर चेक करने लायक तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि लिखा ही थोड़ी सी चीजें, थोड़े बहुत पॉइंट रस याद आए लिख दिए। अब आता है 4th रिवीजन की बारी। 4th रिवीजन मतलब MTP 2 की बारी। MTP 2 सॉल्व करी, प्रोग्रेस हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जैसे एक क्वेश्चन में 6 पॉइंटर से तो 6 के 6 लिख दिए, 4 या 3 ही लिख पाया, प्रोग्रेस हुई ना। लेकिन ये मैं ट्रू गारंटी लेके बता सकता हूँ, यानी कि मेरी वीडियो के व्यूज के लिए बना रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रगति हुई थी मेरी। तो 4th रिवीजन इस तरीके से मेरा 1.5 डेज, और मुझे एक्स्ट्रा सीख मिली इससे कि 1.5 डेज की प्लानिंग किस तरीके से करनी पड़ेगी, कौन सा चैप्टर 1.5 दिन में मेरे को किस हिसाब से पढ़ना होगा, इस चीज की सीख मिली। एंड मैंने जब May 23 की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने बहुत लोगों से पूछा था, तो उन्होंने कहा था MCQs और ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स तो सिर्फ ऑडिट में था, लेकिन MCQs की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। अब एक और बात, हर्षद जादू सर की MCQ बुकलेट बहुत ही घटिया है यार, उन्होंने मतलब अरेंज नहीं कर रखी है। ऐसा नहीं कि उनके हर स्टूडेंट फेल होते, बट मुझे ये प्रॉब्लम है सिंसियरली यार, उनकी जो MCQ बुकलेट है 1000 MCQs में अरेंज बिल्कुल नहीं है, चैप्टर वाइज नहीं है, ओल्ड MCQs पढ़े रह जाते हैं, स्टैंडर्ड और रीडिंग की बुक, ये सब जो 8 बुक देते ना इनमें से आधी से ज़्यादा घटिया ही है, हर स्टूडेंट नहीं पढ़ता उनकी बुक। दो मेन मॉड्यूल है वही पढ़ता है बस। MCQ बुकलेट अगर कोई अच्छा जना हो पढ़ लेता हो उसको समझ, मेरे को तो भाई मेरे से तो नहीं हो पाई थी, मैं क्लियरली आपसे कह देता हूँ। और एक चैप्टर 9 की बुक है वो भी घटिया है, क्योंकि ओल्ड स्टाइल में कर दी, आजकल अब डीप डाइव में क्वेश्चन आते हैं
वो जिस तरीके से बढ़ाते हैं उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब चैप्टर 9 का मैं स्कोरिंग तरीका बता देता हूँ कि चैप्टर 9 का सिंपल सा स्कोरिंग तरीका होता है, इसको आप बिलीव कर लोगे ना तो आप एक्सेल कर जाओगे। 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम तो 3 नंबर का क्वेश्चन आया है चैप्टर 9 से, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि हाउ डू विल चेक द कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स या फिर परचेज या फिर कोई सा एक्सपेंस या फिर कुछ भी चीज़ दे देंगे, क्या था यार, एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर एंड आप डिस्क्लोजर्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो डीप डाइव आप क्या करोगे, कोई सा भी रिवीजन लेक्चर देख लोगे, जैसे कोई सी भी टीचर एक बार तो चैप्टर 9 को आपके टीचर ने जिस तरीके से पढ़ाया होगा पढ़ लिया या फिर सेल्फ स्टडी करी होगी, थोड़े बहुत पॉइंटर्स बनाए होंगे, आप सिर्फ रिवीजन लेक्चर इसका देख लोगे ना 3 से 4 बार तो आपके माइंड में कुछ बेसिकली पॉइंटर्स आ जाएंगे। एंड अगर आप समझ जाओगे ना कि इनके प्रोसेसर क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस, ओक्यूरेंस क्या होता है, कंप्लीटनेस क्या होता है, डिस्क्लोजर्स क्या होता है, तो इनके थोड़े मन से भी मैंने पॉइंट्स लिखे ना, मैंने चैप्टर 9 के जब मैंने आरटीआई की पिछली बार कॉपीज मंगाई थी नवंबर 2022 की, मैंने मन से काफ़ी पॉइंट्स लिखे थे एंड मैंने देखा है कि मेरे को 3 में से बेसिकली हर में 2 नंबर तो मिले हैं। सो चैप्टर 9 ऐसा नहीं है कि आपको डरना है चैप्टर 9 से, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है लेकिन डरना नहीं है, 3 से 4 बार रिविजन लेक्चर देखना है। जैसे कि एक मैम बताता हूँ, समीक्षा शेट्टी एम है, SJC मेंटरिंग आप टाइप करोगे समीक्षा शेट्टी एम, उनकी रिविजन लेक्चर उन्होंने डाल रखे बेस्ट है बेस्ट। बहुत सारे टीचर भी होते हैं दूसरे, आप उनके भी देख सकते हो, लेकिन आई वुड एडवाइस कि उन्होंने इंग्लिश में समझा रखा अच्छे से, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, क्योंकि इंग्लिश के पॉइंटर्स माइंड में दिमाग में जाएंगे तो आपको उस टाइम लैंग्वेज लिखने में भी आसानी होगी, ठीक है। सो उनके रिविजन लेक्चर देखिए एंड घर में खुद भी एक मतलब रोज ऑडिट के 3 to 4 या फिर 5 क्वेश्चन रोज लिखिए एंड जितना होता है, अगर आपसे नहीं बन रहा है कि मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, बुक खोलिए देखिए और उसको लिखिए। फिर ऐसा होता है ना कि आपको कोई सा क्वेश्चन आया ऑडिट का, मेरे को याद नहीं हो रहा, बुक खोलो लिखो, लिखना जरूरी है, रोज डेली 3 से 4 क्वेश्चन लिखो, याद हो रहा है ना हो रहा है, मेरे को रिकॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, लिखोगे ना अपने यहाँ प्रैक्टिस बैठेगी कि किस तरीके से ऑडिट का आंसर लिखा जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज वाली बात हो गई, अब बात आती है एमसीक्यूज वाली बात हो गई ना, एमसीक्यूज मैंने समझा दी, हाँ एमसीक्यूज मैंने नहीं समझा, एमसीक्यूज के लिए आपको अगर आपको टीचर बुकलेट नहीं दे रहा है तो मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करी, मैंने यूट्यूब वीडियोज में अपनी जो दीपिका राठी मैम है उनने हर चैप्टर के पर्टिकुलर एमसीक्यूज दे रखे हैं या फिर मैं दूसरे टीचर के उठा लेता था। सो आप एक बार एमसीक्यूज देख के जरूर जाना क्योंकि ऑडिट में किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कपिल गोयल सर के देख लिया या फिर दूसरे टीचर आई डोंट नो, बट मैंने तो दीपिका राठी मैम के मोस्टली देखे थे। एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके जाने के बाद ही जैसे 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं अपने ऑडिट सब्जेक्ट में, बाकी नंबर का थियरी आता है, थियरी में कम स्कोरिंग होता है एंड एमसीक्यूज में ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। एंड अब बात आती है ट्रू फॉल्स की, सबसे घटिया पोर्शन जो ऑडिट में रहता है ना वो बच्चों का रहता है ट्रू फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स किसी चीज में स्कोर नहीं कर पाते। मैंने पिछले अटेम्प्ट में ट्रू फॉल्स सब लिखे बट साला किसी किसी में तो 0 नंबर मिले, क्योंकि ट्रू तो लिख दिया लेकिन रीजन सही नहीं हुआ, रीजन अपनी छोटी सी लैंग्वेज में लिख के आ गए, आईसीआई एग्जामिनर अपन को चंपू समझ के बैठ गया, ट्रू फॉल्स बोलता है रीजन नहीं देता बेटा अपने को, वो अपने को चंपू समझेगा, 0 नंबर दे दिए, बहुत सारे मैंने आरटीआई में देखे, रीजन सही नहीं होने के कारण, रीजन छोटा सा लिखने के कारण या फिर रीजन सही नहीं होने के कारण, और किसी में 1 नंबर दे दिए जिसमें रीजन था बट छोटा था। सो ट्रू फॉल्स को लिखने का एक तरीका होता है, नेहा जरूर सर ने शेयर कर रखा है हाउ टू राइट ट्रू फॉल्स इन ऑडिट एग्जामिनेशन, ये भी मैं पढ़ के गया था एंड मैंने इस बार देखा है कि मेरे को उसका रिजल्ट मिला है, मैंने इस बार ट्रू फॉल्स लिखे थे ऑडिट के एग्जामिनेशन में एंड उसकी मुझे असर भी पड़ा है कि ट्रू के बाद रीजंस किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि बच्चे को ट्रू फॉल्स लिखने का तरीका पता नहीं है, रीजन क्या लिखना है, किस लैंग्वेज में लिखना है, ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करके जानी है कि नहीं जानी है, बच्चे ये पूछते रहते हैं आईसीएम मॉड्यूल सफिशिएंट है कि नहीं भैया, इन सब के मैंने क्वेश्चंस एड्रेस करे हैं अपने आने वाली वीडियोस में भी एड्रेस कर देता हूँ, इसमें बताता हूँ आईसीएम मॉड्यूल सफिशिएंट होता है। सो ट्रू फॉल्स को लिखने का तरीका आप उस वीडियो में देख लेना, ये सब हो गया ट्रू फॉल्स हो गया एमसीक्यूज हो गया, थियरी पोर्शंस के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई दी है कि आपको नंबर ऑफ रिविजन्स कैसे करने हैं, आपका पैटर्न आपको खुद बनाना है, आपने तो मैं इसलिए सीख ली क्योंकि के मेरे को बार बार रिकॉल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ऐसा ध्यान दिया कि अब कुछ नहीं होगा सिर्फ प्लेन रीडिंग करते जाते हैं, बार बार मैं प्लेन रीडिंग करता गया
और जब 1.5 डेज मुझे एग्जाम के लिए मिले, मैंने उसे वापस से सब्जेक्ट पढ़ा एंड मैंने देखा कि मुझे काफ़ी चीज़ें रिकॉल हुई। जैसे कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैंने इतने पॉइंट तो लिखे दिए थे कि 3.5 या फिर 4 नंबर तो मुझे मिल ही जाए, किसी में 2 मिल जाए, बट ये भी नंबर्स काफ़ी होते हैं। इतने बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको जो 0 मिलते हैं क्योंकि उन्हें रिविजन ही डर डर के करें या फिर रिविजन कर ही नहीं पाए क्योंकि वो सिर्फ वीडियोज देखते रह गए आगे के आउट स्कोर 60+, टाइम नहीं मिला फिर रिविजन का, क्योंकि एक बार मोबाइल में घुस गए ना आप पढ़ाई के टाइम पे। जब एक और बात बताता हूँ, जब आपका रिवीजन पीरियड चल रहा हो ना, मोबाइल को अपने से दूर रख दो। पर आज की जिंदगी में एक तो मोबाइल भी दूर नहीं रखी जा सकती, करे तो करे क्या। सो आपने पूरी रिवीजन स्टडी से समझ तो लिया होगा, फिर भी कुछ भी पर्टिकुलर डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसमें जाके मेरे को पर्सनली आप भेज सकते हो, मैं वॉइस नोट्स या ऑडियो नोट्स आपको भेज दूँगा। फिर भी मैं सोचता हूँ कि कुछ बचा है क्या, तो शायद ही कुछ बचा बताने के लिए। एंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। एंड मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। आगे मैं अभी मेनली फोकस कर रहा हूँ जो अभी मेरी आर्टिकलशिप चल रही वीडियो अहमदाबाद में, सो उनके रिलेटेड के हाउ टू अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप इन बिग सिक्स या बिग फाइव फॉर्म्स या बिग फोर फॉर्म्स। एंड पॉडकास्ट भी लाने वाला हूँ आगे, मेरे प्लान्स पूरे बन चुके हैं, आगे आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलती जाएगी। हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचो कि उनका भला हो जाएगा, उनका भला हो जाएगा सिर्फ मेरे को पास होना चाहिए, मैं दूसरों को भला क्यों करूँगा। भाई शेयर करो, आपकी भी प्रोग्रेस होगी, मैं भी तो आपके साथ मेरी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बचा है सब्सक्राइब हो गया टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, बाय बाय।